सो वी हैव क्लब टेबल इन दिस क्वेश्चन. आपको ये टेबल दिया हुआ है जिसका नाम है क्लब. वी हैव सिक्स सेवन कॉलम्स इन दिस, मतलब इसकी डिग्री क्या है, सेवन. पांच इसमें रोज हैं तो कार्डिनलिटी है फाइव. आपको क्वेरीज लिखनी है फॉर द गिवन क्वेश्चंस. सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले दी एवरेज पे फॉर कराटे कोच. तो आपको कराटे कोच की एवरेज पे बतानी है कितनी है. सो व्हाट शुड बी द क्वेरी. मैम, सिलेक्ट एवरेज ब्रैकेट में पे फ्रॉम क्लब वेयर वेयर कोच नेम इज इक्वल टू कराटे। वेयर स्पोर्ट्स इज इक्वल टू कराटे ना, कोच ओके, नेम अच्छा थोड़ी कराटे होगा. सो जहां पर स्पोर्ट्स क्या है, कराटे. तो आपको एप्रोप्रिएट कॉलम चूज करना है जिसपे कंडीशन बेस्ड होगी. सिलेक्ट एवरेज पे फ्रॉम क्लब वेयर स्पोर्ट्स इज इक्वल टू कराटे. तो जहां पर स्पोर्ट्स कराटे है वो वाले रिकॉर्ड्स को उठाओ और उसकी एवरेज पे निकालो. सो पहले दो ही है, दैट इज 10,000 एंड 12,000. आंसर आएगा 11,000. ठीक है, पर हमें सिर्फ क्वेरी लिखनी है, तो हमने क्वेरी लिख दी है. राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले मंथ और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का मंथ शो करना है. तो क्या लिखेंगे. मैम, सिलेक्ट मंथ के नेम ब्रैकेट में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम क्लब। सो आप इसमें मंथ भी यूज कर सकते हो, मंथ नेम भी यूज कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि उसमें मंथ बोला है, उन्होंने ये नहीं बोला कि मंथ का नाम दिखाना है या मंथ का नंबर दिखाना है. अगर हमें सिर्फ मंथ का नंबर दिखाना है तो हम सिर्फ मंथ लिखेंगे, बट इफ वी वांट कि मंथ का नाम आए लाइक जनवरी फरवरी, तो हम लिख सकते हैं सिलेक्ट मंथ नेम और ब्रैकेट में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम क्लब. तो जो भी हर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का मंथ नेम होगा वो उसको शो कर देगा. ओके, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ मेल कोच इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एज. यू हैव टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ मेल कोच इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एज. मैम, बताओ. डिटेल ऑफ मेल कोच डिटेल सेंडिंग। मतलब सब कुछ दिखाना है तो स्टार हो गया. ठीक है, कहाँ से दिखाना है, क्लब से दिखाना है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब. अब ये कैसे पता चलेगा कि वो कोच मेल है. मैम सेक्स। की वैल्यू एम होनी चाहिए, तो वो किसके साथ लगेगा, वेयर के साथ. सो वेयर सेक्स इज इक्वल टू एम, मतलब वो मेल कोच है. उसके बाद वो ऑर्डर कह रहा बाय है इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एज, सो दैट विल बी ऑर्डर ऑर्डर बाय बाय एज। एज. बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है, तो कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है. सो वो बाय डिफॉल्ट आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही शो करेगा. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर सेक्स इज इक्वल टू एम ऑर्डर बाय एज. तो वो सारे मेल कोचेस को दिखा देगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एज. ओके, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले गेम वाइज मैक्सिमम पे ऑफ ऑल द कोचेस. सो हर गेम के अकॉर्डिंगली आपको हाईएस्ट सैलरी बतानी है कोचेस की. तो क्या क्वेरी होगी. मैम, सिलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में पे कॉमा कॉमा स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब ग्रुप बाय स्पोर्ट्स। वेरी गुड. सो स्पोर्ट्स कॉमा मैक्स पे फ्रॉम क्लब ग्रुप बाय स्पोर्ट्स. तो जितने भी अलग अलग स्पोर्ट्स हैं सबके ग्रुप्स बन जाएंगे और हर ग्रुप की मैक्सिमम पे को वो शो कर देगा. सो मैक्सिमम पे विल बी शोन फॉर एवरी गेम. तो जितने भी स्पोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जितनी भी गेम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, सबकी हाईएस्ट पे जो है वो शो हो जाएगी. ठीक है, सो मैक्सिमम क्वेरीज में आपको बस यही समझना होता है कि फेच क्या करना है, कंडीशन क्या लगेगी, अगर ग्रुपिंग है तो किस कॉलम के ऊपर बेस्ड है, ग्रुप बाय कहाँ लगेगा, और अगर आपको कहा जाता है कि सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाओ तो ऑर्डर बाय को आपको कैसे लगाना है. वही गेम है, बस इतना सा अगर हमें समझ आ जाए तो एसक्यूएल इज द इजिएस्ट लैंग्वेज टू वर्क ऑन, है ना. तो क्वेरी करनी है, यस मैम, इंग्लिश से काफी कुछ मिलती जुलती होती है, बस इसको थोड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखते हैं एंड हमारे पास हमारा रिजल्ट आ जाता है. ठीक है.